हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई रेसिपी के साथ, जो है क्रिस्पी समोसास, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके फेवरेट होते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्चें, मैदा और ये है बॉयल्ड आलू जो मैंने पहले से उबाल के रख लिए हैं। आपको इसको ठंडे आलू यूज़ करने हैं, गरम गरम नहीं करने हैं। ये है मटर और ये रिफाइंड ऑयल और हमें कुछ देसी मसालों की ज़रूरत है। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं एक कप मैदा डाल रही हूँ। ये ज्वैन है, इसको मैं क्रश करके इसमें डाल दूंगी। 3 टेबलस्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब मैं इस इंग्रेडिएंट्स को पहले मिला लूंगी। मुझे रिफाइंड ऑयल कम लग रहा है तो मैं इसमें रिफाइंड ऑयल और ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और ऐड किया है। आप चाहें अपना बैटर देखकर डाल सकते हैं जितना डालना चाहें, और इसलिए इसमें आपने रिफाइंड ऑयल डाला है कि जिससे आपके समोसे खस्ते बने। ये देख सकते हैं आप, जो हमारा मैदे का बैटर है वो मुट्ठी बन रही है। हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें कि कहीं आप ज़्यादा पानी ना डाल दें, क्योंकि हमें आटा जो है वो सख्त गूंदना है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करें। दिखा रही है, आप मेरा आटा देख रहे हो कितना अच्छे से सख्त आटा गून चुका है। समोसे बनाने से कुछ समय पहले, 15-20 मिनट पहले आपको आटा गून के रख देना है। तो मैं इसको ढक के कवर करके रख दे रही हूँ। ये जो आलू उबले थे वो उसका मैंने छिलका हटा दिया है। अब आप इस आलू को मैश कर लेते हैं। मैंने पहले जीरा भून लिया है और अब ठंडा करके इसमें डाल दिया है। इसमें अब मैं इसको कूट दूंगी। हम मसाला तैयार कर लेते हैं। आधी चम्मच हमने लाल मिर्च ले लिया है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और ये जो हमको जो बुना हुआ जीरा का मसाला है वो डाल देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सभी मसालों को ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे। मैंने गैस ऑन कर ली है। अब सबसे पहले हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। टेबलस्पून आपने रिफाइंड ऑयल डालना है। इसमें सबसे पहले मैं हींग डाल रही हूं। जीरा, ये मैंने अदरक कूट लिया है वो डाल दे रही हूं।
हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो मटर हमने रखे हैं वो डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये जो आलू हमने मैश किए हुए हैं वो डाल देंगे। गैस को आप सिम कर दीजिए। हम ये आलू को अब इसमें अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही में हम इसमें ये जो हमने अपना मसाला प्रिपेयर किया था सारे वाला वो हम इसमें मिला देंगे। ये हमने कसूरी मेथी ले ली है, इसको हम थोड़ा अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। हलवाइयों जैसा मसाला हमारा अब बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, बन चुका है। अब अगर आपके पास धनिया हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आटा हमने गूंद के रखा था, उसको रखे हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। ये आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, इसके अब हम लोइयां बनाकर इसे बेल लेंगे। लोई हमने ले लिया है, अब हम उसे बेलना शुरू कर देंगे। इसे बड़ी बड़ी हम रोटियों में बनाएंगे। जो वो लोई थी हमें उसे पतला और लंबा बेल लेना है। कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, हर आकार से बराबर होनी चाहिए। अब हम इसे 2-20 से काट लेंगे बराबर हिस्से में। ये दो अलग अलग हो जाएंगे। अब एक हिस्सा हम ले लेंगे। अब चारों तरफ हम इसमें पानी लगा लेंगे। हम अब इसकी शेप दे रहे हैं, हमने दोनों साइड से इसे फोल्ड कर दिया है। अब बीच में हम इसकी आलू में का बैटर डाल देंगे। बैटर को हम प्रेस कर देंगे, जितना वो आराम से आ सकेगा हम उतना ही डालेंगे, ना ज्यादा ना कम। जितना बैटर इसमें आ सकता था मैंने उसमें डाल दिया है। अब इसका हम ऊपर से बंद कर देंगे, इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो ये बैटर है और ये जो हमने रोटी बेली है वो कहीं से फटे ना, नहीं तो ये तलते टाइम बाहर निकल आएगा। आप देख सकते हैं हमारा समोसा तैयार हो चुका है। चढ़ा दी है, अब उसमें घी भी डाल दिया है गर्म होने के लिए, जिससे कि मैं समोसों को तल सकूं। समोसों के लिए आपको जो रिफाइंड ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने गैस को सिम में कर दिया है। अब हम समोसे डाल देंगे। अब ये हमारे अच्छे से तल गए हैं और मैं इसको बाहर निकाल ले रही हूँ। ये
क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। ये मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी आवाज़ और फिलिंग हमारी कितनी अच्छे से भरी हुई है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।